चतरातू के हरदेव कंस्ट्रक्शन की साइट पर फायरिंग मामले में पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। बीते 2 मई को पतरातू स्थित हरदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने पतरातू डैम के समीप किंग रेस्टोरेंट से पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल और 2 गोली जब्त किया है। रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रामगढ़ SP पीयूष पांडे ने कहा कि हरदेव कंस्ट्रक्शन की साइट पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए कर्मियों को धमकी दी थी। घटना को लेकर पतरातू थाना में कांड संख्या 78/20/23 धारा 25AB/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिस पर पतरातू SDPO को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पतरातू डैम के निकट किंग रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जहां से सन्नी कुमार और ब्रजेश कुमार उर्फ जहरा को गिरफ्तार किया गया। दोनों बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। सोना न्यूज रामगढ़ से राहुल सिंह के साथ रघुनंदन प्रसाद की रिपोर्ट। ये दिनांक 2 मई को हरदेव कंस्ट्रक्शन जो PVUNL के जो रेक है उसके लिए जो रेलवे पटरी बिछाने का काम है उसमें इन्वॉल्व है, तो वहां एक साइट पर हरदेव कंस्ट्रक्शन के एक लेबर द्वारा काम किया जा रहा था, तो वहां पर 2 बाइक सवार अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा आके वहां पर गोली चलाने की घटना को कारित किया गया था और उसके बाद धमकी दी गई थी। तो उसमें एक FIR रजिस्टर किया गया था और उसके बाद छानबीन की जा रही थी। तो उसमें अनुसंधान के क्रम में तथा छानबीन के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि 6 मई को यानी कल एक जगह पर 2 अपराध कर्मियों की लोकेशन आ रही है, तो तुरंत थाना प्रभारी पतरातू एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा वहां पर छापामारी करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है सन्नी कुमार और ब्रजेश कुमार। ये दोनों बेगूसराय के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 1 देसी पिस्टल भी बरामद की गई तथा 2 लाइव बुलेट्स बरामद की गई .315 बोर की। इन दोनों को उसके बाद थाना लाकर जब पूछताछ किया गया तो इन दोनों के द्वारा ये कन्फेस किया गया कि हरदेव कंस्ट्रक्शन पर जो 3-4 दिन पहले जो फायरिंग हुई थी उसमें जो घटना है इन दोनों के द्वारा कारित की गई थी। इसके बाद इनके द्वारा पुलिस के द्वारा और पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि अमन श्रीवास्तव गैंग के कहने पर इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस पूरी घटना के पीछे श्रीवास्तव गैंग के लोगों का हाथ।